चलिए अब कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने एड़ी चोटियां कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां 18 जनसभाओं को संबोधित किया है और 6 जगहों पर रोड शो किया है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार थमने से पहले 3 दिनों तक कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां कई सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यहां सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। 4 साल बाद सोनिया गांधी को चुनाव प्रचार में उतारा गया। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां प्रचार में मुख्य भूमिका निभाई। इन नेताओं के करीब 50 जगहों पर सभाओं और रोड शो हुए। चुनाव से पहले के तमाम ओपिनियन पोल कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, जिससे उसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा भी की है। इसके अलावा हर परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपए देने की भी घोषणा की, तो इस तरह से तमाम तरह की घोषणाएं भी की गई।